अमावस की सर्द रात में मैक्लोडगंज में एक भेड़ का जन्म हुआ। वो भेड़ कुछ अलग थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और साथ साथ एक इन्फेक्शन भी था। जब वो इन्फेक्शन के साथ सड़कों पर घूम रही थी तो कुछ मंक्स की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने हमें फोन किया। जब वो यहाँ आई तो वो बहुत चुप चुप सी रहती थी और बहुत कमजोर भी थी। जब उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने शुरू हुआ तो उसको समझ आने लगा कि वो एक सुरक्षित जगह पर है जहाँ उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मीमी को आरती में एक माँ, केयर टेकर, बेस्ट फ्रेंड सब मिल गए थे। आरती हमारे ही गांव से एक वॉलंटियर थी जिसने मीमी के साथ एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड बना लिया था। आरती की मौजूदगी में मीमी के अंदर की छुपी हुई भेड़ कूद कूद के बाहर आ जाती थी। वैसे तो मीमी फार्म पर एक लौती भेड़ है लेकिन यहाँ फार्म पर और भी कई एनिमल्स हैं जो परमानेंटली हमारे साथ रहते हैं और ऐसा कोई एनिमल नहीं था जिससे मीमी ने दोस्ती नहीं की थी। हमारे पास एक पिग था जिसका नाम पाब्लो था और मीमी हमेशा उसके आसपास ही मंडराती थी। यहाँ तक कि उसकी दोस्ती गायों से भी थी। एक गाय थी जिसका नाम था गोभी जिसके साथ मीमी का लव हेट सा रिलेशनशिप था। जो भी डॉग्स फार्म पर रेस्क्यू होके आते थे मीमी झट से उनसे दोस्ती कर लेती थी। मीमी के आने के एक साल बाद हमने बेटी जी को रेस्क्यू किया था और उसी दिन से वो बहने बन गई थी। वो बिल्कुल सीता और गीता जैसे हैं। अटेंशन और खाने के लिए पूरा दिन लड़ते रहते हैं। हम मीमी को तो कभी रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि उसे बाहर रिलीज करना उसे स्लॉटर हाउस भेजने के बराबर है। तो वो हमारे ही परिवार का हिस्सा बन गई है। मीमी को गर्मियों में कोई दिक्कत ना हो इसलिए टाइम टू टाइम हम उसका हेयर कट भी करते रहते हैं। यूं तो भेड़ों को डरपोक माना जाता है लेकिन हालातों की वजह से जब मीमी का फ्रेंड सर्कल बदला तो उसका डर भी निकल गया और आज वो किसी से भी पंगा लेने के लिए रेडी रहती है। अगर आप भी अपने आप में कोई अच्छा बदलाव लाना चाह रहे हैं लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल या आपके करीबी लोग उस बदलाव के आड़े आ रहे हैं तो शायद आपको भी अपना फ्रेंड सर्कल बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इंतज़ार कीजिए, क्या पता मीमी की तरह आपको भी कोई रेस्क्यू कर ले।